जिद्दी है। मैं आ गया। तू ना कभी कभी डैडी जी की तरह साउंड करती। उन्हें लगता मेरा डेयरी फार्म जाना मेरे लिए बेस्ट, तुझे लगता मेरा यहाँ से चले जाना मेरे लिए बेस्ट। सबको ही पता है ना मेरे लिए बेस्ट क्या है, बस मुझे नहीं पता। मुझे तेरा स्टूपिड फेस कभी नहीं देखना है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओ। तुझे कभी फोन नहीं करूंगी मैं। आज से तेरे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। गेट लॉस्ट। सेम टू यू मोनू। सैड हो? मैं साइज में छोटी हूँ और बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तुम बता सकती हो, मैं समझ जाऊंगी। हाँ, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ? बॉयफ्रेंड से नहीं, उससे भी इम्पोर्टेंट इंसान मेरे बेस्ट फ्रेंड। ये तो सीरियस मैटर है। मैं कभी अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट नहीं करती। एक फन फैक्ट बताओ, सैड लोग को देखकर आप खुद भी सैड हो जाते हो। अगर तुम सैड रहोगी तो मैं भी सैड हो जाऊंगी। स्माइल प्लीज। थैंक यू। बहुत प्यारे हो आप। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताऊंगी ना, तो तुम्हें और अच्छा फील होएगा। अच्छा, बताओ फिर। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी हर बात समझता है। फोन पे खूब सारी बातें करता है और कभी कभी तो टेंट में आके खेलता है। बस मेरी एक कंप्लेन है उससे। क्या? कि वो हर टाइम बिजी 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 रहता है। अच्छा, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो हर टाइम फ्री 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 ही रहता है। दिन भर पार्टी, फन, गेम्स करता है। काम वाम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ड्रोन तो बहुत अच्छा उड़ाता है। वाओ, ड्रोन! तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो अच्छा साउंड कर रहा है। और मुझे आपका बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। आइसक्रीम खाओगी? सॉरी, नॉट अलाउड। सौम्या, माँ दुर्गा का एक और नाम मेरी मॉम ने रखा है। मोनामी। मेरा नाम भी मेरी मॉम ने रखा था। लो, दोस्ती हो गई। यहाँ किसके साथ आई हूँ? उनके साथ, गौरी दीदी के साथ। एंड गेस व्हाट, मेरा फ्रेंड अभी आने वाला है मेरी फेवरेट चीजें लेकर। वाओ, तुम मुझे मिलाओगी अपने फ्रेंड से? पहले तुम पकड़ा पकड़ाई में जीत के दिखाओ, फिर मिलवा दूंगी। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? जी भैया, वो गोल चबूतरे के पास में। ठीक है, वहीं आ रहा हूँ। जी भैया। तुम बहुत अच्छी हो। मैं अपना बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। तुम्हें अस्थमा है ना? ऑक्सीजन पंप किधर है? किधर है सौम्या? देवी, पाउच कहीं गिर गया है। प्लीज ढूंढिए ना कहीं पे। मोनामी, कब से मैं तुझे ढूंढ रही थी, तू यहाँ क्या? सुमन जी, एक ब्लू कलर का पंप होगा आसपास, कहीं गिर गया, प्लीज ढूंढिए उसे। मैं ढूंढती हूँ, मैं ढूंढती हूँ। सौम्या, वेट, sit down, just breathe. Very good, इसे पी लो, कॉफी पी लो, इससे ठीक हो जाएगा। नहीं सौम्या, ट्रस्ट मी, यू विल फील बेटर। पी लो प्लीज। बेबी, चाचू। हाँ बच्चे, अब भी गुस्सा हो बेबी? कैसे भूल सकता हूँ बेबी। नहीं, मैं रेडी हूँ और आपके गिफ्ट्स भी रेडी। बेबी गर्लफ्रेंड फ्रेंड को तुमने भूखा प्यासा लॉकअप में बंद रखा क्योंकि तुम्हें लगा कि वो मुझे चीट कर रहा है, जबकि तुम खुद एकेडमी के बाहर चीट कर रहे थे। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम बेबी बुलाते हो? अरे सिड ने तो सिर्फ झूठ बोला था, तुम तो रियल चीटर निकले। एक साथ दो लड़कियों को डेट कर रहे हो तुम। बेबी के पास आई क्यों? Can't you stay out of my life? करण प्लीज करण, एक बार हेल्प करने दो प्लीज। करण, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी, ऐसे डॉक्टर कह रही हूँ, बस एक बार हेल्प करने दो। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प। करण, एक बार आखिरी बार बोल रहा हूँ मोनामी, दूर रहो मुझसे और बेबी से। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई समन जी, मैंने करण के बारे में सब रॉन्ग समझा। पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे, सबके सामने ह्यूमिलिएट किया उसे, ये कह के कि वो दो लड़कियों को डेट कर रहा है, जबकि बेबी तो उसकी नीस है। मोनामी, ये सब बातें बाद में, पहले हमें हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना, इमरजेंसी में लेके गए होंगे। डॉक्टर, कैसी है अब बेबी? अभी नेबुलाइज किया है, थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। सॉरी। मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। गेट लॉस्ट। प्लीज करण, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दो। ऐसे डॉक्टर चेकअप करना चाहती हूँ प्लीज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। दुनिया आपके बिना भी ऑपरेट कर सकती है। मोनामी महाजन। क्या हुआ? कौन है ये लोग? अभी ये पराक्रम एसएफ से, इसे मैंने कहा था मुझसे और बेबी से दूर रहे। चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हारी वजह से सस्पेंड तो हो ही चुका हूं, वो काफी नहीं। बेबी के पास क्यों गई तुम? हाथ कैसे लगाया तुमने उसे? अगर मेरे और मेरी फैमिली को जरा सा भी दुख दिया ना, आउट। करण, calm down। ये क्या तरीका है बात करने का? चलो यहाँ से। Get lost and sorry। I must tell you, जिसने भी सौम्या को अटैक के टाइम कैफीन दिया है, आपको उसको थैंक्स बोलना चाहिए। एक्चुअली सौम्या की जान हमने नहीं बल्कि उसने बचाई है। Excuse me। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? चलना एकेडमी चलते हैं। नहीं सुमन जी, एक बार सौम्या डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद करण को सॉरी बोलूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। मोनामी, सिट। थैंक यू बेबी को कैफीन देने के लिए। शी इज मच बेटर नाउ। उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। बेबी, आई मीन सौम्या बहुत क्यूट है। हाँ बिल्कुल, मुझ पे नहीं गई है। करण ने तुम्हें इतना गुस्सा किया, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, आप मत सॉरी बोलिए प्लीज। इन सब में मेरी गलती है। बहुत लकी है करण, इतने काबिल रिक्रूट्स मिले हैं उसे। एक्चुअली करण हमेशा से इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। उसके बड़े भाई के गुजर जाने के बाद उसके अंदर जैसे कुछ बदल सा गया। परम शेरगिल, करण का बड़ा भाई। कुछ अमीर बच्चों की जान बचाते बचाते शहीद हो गया। दोनों भाई उस मिशन में साथ में गए थे। करण किसी से कहता नहीं है, पर ये बात अंदर ही अंदर खलती है उसके कि वो अपने बड़े भाई को बचा नहीं सका। तो बेबी और मैं ही बस करण की लाइफ है, परम की याद भी और उसकी निशानी भी। इसीलिए ना करण और बेबी ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है, जिसमें कभी बेबी ऑफिसर बन जाती है और करण कमांडो बन जाता है। कोड नेम शेरा, फॉलो मी। कॉपी मैम। कभी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं कभी अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट नहीं करती। इसीलिए करण बेबी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव है और तुम पर गुस्सा किया। अभी ना थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे बेबी को। मैं उसके लिए इनहेलर लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। टेक केयर प्लीज। सुमन जी मैं आती हूँ। तुम्हें मैंने गलत समझ के जल्दी जज कर लिया। तुम सिर्फ सड़ू शेरगिल नहीं हो और भी बहुत कुछ हो। रावत सर, एक छोटी सी बात पूछनी थी तुमसे। जी। वो करण और मोनामी का वीडियो तुमने बनाया? एक्सक्यूज मी? Of course not. एक छोटी सी बात बतानी भी थी। सीसीटीवी रूम से वो फुटेज मैंने डिलीट की थी। वरना आज सबको पता चल जाता कि फैजी का मोबाइल तुमने चुराया है। क्या चाहिए मुझसे? मुझे बचाया, पत्रासा से मेरी कंप्लेंट नहीं की, एकेडमी से मुझे निकलवाया नहीं। इतनी अच्छी दुनिया तो है नहीं। बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना आपको मुझसे। स्मार्ट, ब्यूटी विथ ब्रेन्स, खतरनाक कॉम्बिनेशन। पहले भी कहा है मैंने तुमसे। प्लीज टेल मी कोयल, तुम करण को एकेडमी के बाहर क्यों निकलवाना चाहती हो? चॉकलेट मिल्क शेक। इस जगह तो तुम्हारा रूम भी नहीं। कहाँ लेकर जा रही हो? सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कोयल। उसके बाद एकेडमी का एक भी रूल तोड़ती हुई पकड़ी गई तो सीधा एकेडमी के बाहर। चलो ठीक है, तुम्हारे अपने रीजंस हैं, मत बताओ। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। करण के खिलाफ तुम मेरी एलाई बन जाओ। मेरी हेल्प करो करण के अगेंस्ट सबूत जमा करने में और उसे एकेडमी से बाहर का रास्ता दिखाने में। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। ओके देन, किसी को तो एकेडमी से बाहर जाना पड़ेगा। करण नहीं तो तुम। अपने बैग्स पैक करना शुरू कर दो। आप करण से को निकलवाना चाहते हैं। यू आर अगेंस्ट हिम। आपने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी डिलीट की थी। मैं भी आपको करण से और सबके सामने एक्सपोज कर सकती हूँ। ओके, वेट। आप जैसा बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। As I said, ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। तो बदले में आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस एकेडमी से निकाला नहीं जाएगा। Okay, I promise. Done. Not done. मुझे राइटिंग में चाहिए। Beauty with brains, ठीक है, but as you said, दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। तो तुम मुझे अगले 72 आवर्स में करण के खिलाफ एक पुख्ता सबूत लाके दोगी, जिससे मैं करण को इस एकेडमी के बाहर कर सकूं। करण आउट, कोयल इन। डी Deal. Good. तुम्हारे 72 आवर्स शुरू हो चुके हैं कोयल। Get going. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.